नमस्कार, मैं हेना प्रसून आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ नवंबर महीने का मासिक फलादेश। ये नया महीना जो आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, वो हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए क्या सौगात लेकर आया है, आइए इसकी चर्चा करते हैं एक के बाद एक। चर्चा शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें तथा उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, नवंबर महीने की जो मैं फोरकास्ट शुरू करूं उसके पहले आपसे दो बातें बताना चाहूंगी कि इस नवंबर एक बहुत खासा दिन रहने वाला है हम सभी राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि 20 नवंबर को गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद फिर वो अपने मार्गी अवस्था में ही आगे की सफर को तय करेंगे। और 16 नवंबर 2021 को सूर्य देव प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में स्कॉर्पियो में। ये दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं और वैसे तो सारे ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, पर मैं गुरु बृहस्पति और सूर्य को ध्यान में रखकर इस मासिक फलादेश को तैयार की हूँ। अब आपकी कुंडली में जहाँ पर कुंभ राशि है वहाँ पे आपको जरूर उसका फलित प्राप्त होने लगेगा। और इसके अलावा 16 नवंबर को सूर्य देव अपनी राशि वर्तमान की नीच राशि तुला राशि को परिवर्तित करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन मैंने इन दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों के प्रकाश को और प्रभाव को ज़्यादा अध्ययन करके इस मासिक फलादेश को मैंने बनाया है। ये मासिक फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे अपनी लग्न राशि से भी देख सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि यदि अलग अलग है तो आप दोनों फलादेश को सुने, इससे आपको आने वाले महीने के लिए एक बेहतर ओवरव्यू मिल पाएगा। आइए अब बात करूं कन्या राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए नवंबर 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। तो देखिए, नवंबर का ये महीना साल का आप सबों के लिए एक यादगार महीना रहने वाला है। मैं पिछली राशि में बता रही थी कि कुछ हम सभी राशि वाले लोगों के लिए जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां वो महीना बहुत अच्छा जाता है और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां वो महीना थोड़ा सा आपको संघर्ष लेकर आता है या उतनी अनुकूल स्थिति नहीं बनाता। पर यहाँ पर देखिए, आप कन्या राशि वाले लोगों के लिए ऐसी स्थिति है कि ज़्यादातर मामलों में आप लोग बहुत लकी रहने वाले हैं। और अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूँ तो ये हाईलाइट ऑफ द मंथ रहेगा। आप अपने ये जो महीना आप प्रेमी युगल जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाएगा, आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में कितनी मिठास और कितनी प्रगाढ़ता बढ़ती जा रही है। अगर आप शादीशुदा जातक हैं तो आपके लिए भी एक बहुत खुशनुमा समय रहेगा। मैं एक एक करके सभी मुद्दों की चर्चा करूंगी। शुरुआत करती हूं आपके करियर फ्रंट से। तो देखिए, आपके करियर, आपके नौकरी व्यवसाय और पेशे की बात करूं तो यहां पर बहुत एनकरेजिंग महीना रहने वाला है, बहुत उत्साहवर्धक रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में हैं आप देखिए तो वहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप परिवार में आपका कद बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके जो विश्वसनीयता है वो बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। आपके कर्म क्षेत्र को शुक्र देव पूरे महीने इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए, शुक्र देव का जब संबंध आपके कर्म भाव से बनता है तो दो तीन चीज़ें होती हैं। आपके ऑफिस में बहुत सारी फीमेल स्टाफ या तो आ जाती हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता है, या आपको फीमेल आपकी बॉस बन जाती हैं, या आपके अधीनस्थ कर्मचारियों में आपको, और किसी भी इस गोचर काल के दौरान आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी महिला को, या तो मैं ऐसे बोलना चाहूँगी कि इस गोचर काल के ही दौरान नहीं बल्कि किसी भी महिला या पुरुष को आप अपनी वाणी से कभी भी हर्ट मत कीजिएगा। अपनी हरकत से आप कभी भी उन्हें डांटना, ऊँची आवाज़ में बोलना, चिल्लाना, उन पर हावी होना या उनको अपने पोजीशन या अपने पावर से कंट्रोल करना, ये चीज़ें आप मत कीजिएगा। आप इससे आपको पूरी लाइफ, मैं सिर्फ किसी महीने या गोचर की ट्रांजिट की बात नहीं कर रही, आप वर्गोज को, कन्या राशि वाले लोगों को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
और अगर आप ऐसी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पूरी लाइफ आप बहुत कंफर्टेबल और बहुत लकी सिचुएशन से आपका सामना होता रहेगा। आपको अपने फैमिली और फ्रेंड्स से आप अगर कोई राय मशवरा लेते हैं तो वो आपको बहुत फ़ायदा करने वाली, तो उनके मशवरे को अगर आप अमल में लाते हैं तो वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनने वाली है। आपके सीनियर्स, आपके जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो आपसे इम्प्रेस्ड होने वाले हैं। आपके कार्यों से, आपकी कार्य क्षमता से और कार्यशैली से वो बहुत इम्प्रेस्ड होने वाले हैं, आपकी वाहवाही करते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंस की बात करूं तो जुपिटर आपको न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम लाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप इनकम को देखिए बढ़ाने के लिए एक बहुत ही मैं सीधा सा आपको उपाय बताती हूँ। अगर इनकम तो बढ़ ही रही है आपकी, अगर इसको आप और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप जरूर से दूसरों पे भी थोड़ी सी एक रकम जरूर खर्च कीजिए, या आपको आपकी पोजीशन से किसी दूसरे को हेल्प होता है, रुपए पैसे की आमदनी बढ़ती है, या आप अपने हाथ से किसी को आप पैसे से हेल्प करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ सिचुएशन, एक शुभ स्थिति लेकर आने वाला है। और मनी और फाइनेंस इस महीने आपके लिए कोई स्ट्रेस की बात नहीं रहेगी। आप इसके लिए बहुत कंफर्टेबल समय को आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत लैविशली, बहुत शाहखर्ची में पैसे को आप खर्च कर रहे हैं। आप अपने पैसे को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। पैसे की कहीं कोई तंगी या रोना धोना नहीं दिख रहा है मुझे। एक बात आप ध्यान रखिएगा, सूर्य आपके तृतीय भाव से ट्रांजिट करेंगे 16 नवंबर के बाद, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बाहुबल को, आप अपनी कार्य क्षमता को जितना बढ़ाइएगा उसी अनुपात में आपका आय और भाग्य बढ़ता जाएगा। तो कुछ भी आप ऐसे नहीं कि आपको कोई सिल्वर प्लेटर में परोस के कुछ भी दिया जाएगा, लेकिन आप अपने बाहुबल से हर वो चीज़ अचीव करते हुए दिख रहे हैं इस महीने, जिसकी आपने कल्पना की थी या जिसका आपने सपना देखा था। हेल्थ की बात करूं तो देखिए हेल्थ फ्रंट पे ये एक स्थिति बन रही है कि आप थोड़े से, आप देखिए एक चीज तो है कि सेहत एक तंदुरुस्ती हजार नियामत बोलते हैं, तो सेहत थोड़ी सी आपकी सुस्त दिख रही है, थोड़ी सी डल दिख रही है। मेजर कुछ भी, कोई मेजर एलिमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन मौसमी बीमारियों, एक सर्दी खांसी ही हो जाती है व्यक्ति को, तो दो चार दिन ऐसे ही उसके खराब हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से आप अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, अपने दांतों और आंखों का ध्यान रखिएगा। कुछ आई रिलेटेड इन्फेक्शन या दांतों का दर्द, दांत में कैविटी, दांतों की सड़न, इस तरह की आप स्थिति ना पनपने पाए आपके साथ, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मुंह के छाले, मुंह का माउथ ब्लिस्टर, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, तो इसके लिए आप ठंडी तासीर की चीज़ें खाइए। लेकिन जैसे नॉर्थ इंडिया में अब ठंड का आगाज़ हो चुका है, तो उस हिसाब से मौसम को देखते हुए आप वैसी चीज़ों को ज़रूर खाएं जिससे आपका सेहत और बेहतर हो पाए और आप मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर आप स्वस्थ महसूस कर पाएँ। आप अगर रोमांटिक रिलेशन में हैं तो आपके संबंध में ये महीना बहुत प्रगाढ़ता लाने वाला है। बहुत एंजॉयबल समय को आप बिताते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, आप अगर आप किसी को मन ही मन प्यार करते थे, आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, कभी बताया नहीं, और आपने सोचा कि वो तो समझ ही गया होगा या गई होगी, मैंने उसे ऐसे इस बात से हिंट दिया, मैंने वैसे किया, तो ये अब हिंटिंग का ज़माना नहीं रह गया। आप अपनी भावनाओं को, जो इनर मोस्ट फीलिंग है, आप किसी को, कोई आपको अच्छा लगता है तो आप इस बात को प्रखर रूप से बोलिए और एक्सप्रेस कीजिए, तो वहाँ पर आपको लोग बहुत अच्छे तरह से आपको ले पाएंगे, आपकी बातों को समझ पाएंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत अनुकूल समय है। जुपिटर और सैटर्न की स्थिति ऐसी बनी हुई है फिफ्थ हाउस में, वो इंडिकेट करता है कि आप अपने प्यार को एक शादी के बंधन में बांध सकते हैं, और आपके प्यार में, प्रेम में इतनी प्रगाढ़ता आ चुकी है कि आप इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा महीना है नवंबर का महीना। हालांकि ये है कि रिश्तों में थोड़े से आप डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हैं। आप संबंध की मधुरता को बनाए रखने के लिए, समय की नज़ाकत को समझते हुए, आप कभी भी अपनी किसी इच्छा या बात को थोपना अपने प्रेमी या प्रेमिका पर
मत कीजिएगा, थोपिएगा मत। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि आपके संबंधों में बहुत प्रगाढ़ता आने वाली है। 20 नवंबर के बाद जब जुपिटर साइन चेंज कर लेंगे और आपके सिक्स्थ हाउस में आ जाएंगे, तो यहाँ ये डिजीज और आपके रोग ऋण शत्रुओं का भी शमन करने आएंगे। वो भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रखे हैं तो वहाँ सफलता दिखा रहे हैं गुरु जुपिटर। और हालांकि गुरु जुपिटर जो हैं वो आपके वैवाहिक जीवन के सुख को दिखाते हैं, प्रेम को दिखाते हैं, और जब वो सिक्स हाउस में आ जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको वैवाहिक जीवन में तल्खी आ सकती है। वैवाहिक जीवन वहाँ से वो अपने ये नैसर्गिक कारक हैं विवाह के और वैवाहिक सुख के, तो नैसर्गिक कारक जब अपने से बारहवें भाव में चला जाता है तो वहाँ पर संघर्ष की स्थिति तो बनती है, लेकिन आप अपने आपसी प्रेम और समझ से आप सभी रिश्तों को, आप सभी तरह की परेशानियों को, परेशानियों से उबर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना आप करते रहें पूरे महीने और ये आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा।